एलियन से पूछ लीजिए भाग्यनर आया कहाँ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएल न्यूज। कांग्रेस ने हैदराबाद को बनाया, यहाँ की बीआरएस सरकार आपको 17 सितंबर को मनाने नहीं देती, जो भाजपा की सत्ता में आने पर होगा। हम भाग्यनगर बनाने के लिए आए हैं। योगी आदित्यनाथ का शनिवार 25 नवंबर 2023 को दिए गए भाषण में ऐसा कहकर विपक्ष में छटपटाहट पैदा कर दी थी। आपको बता दें कि 17 सितंबर का महत्व तेलंगाना में इसलिए है क्योंकि इसी दिन सन 1948 में भारतीय सशस्त्र बलों ने हैदराबाद राज्य का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था, जिससे 200 साल पुराने निजाम शासन का अंत हुआ और हैदराबाद दक्षिण क्षेत्र, जिसमें वर्तमान तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्से शामिल थे, इनका आजाद भारत में विलय कर दिया। आगे योगी आदित्यनाथ का कहना था कि कांग्रेस ने हैदराबाद को बनाया और वहां की बीआरएस सरकार 17 सितंबर को मनाने नहीं देती, जो भाजपा की सत्ता में आने पर होगा। उनके कहने के अनुसार आदित्यनाथ तेलंगाना में भाग्यनगर बनाने के लिए आए हैं, जिसका साफ संकेत ये है कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वो हैदराबाद का नाम सत्ता में आते ही भाग्यनगर कर देगी। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनावों की आहट कहें या फिर वर्तमान विधानसभा चुनाव में अपनी जीत पक्की करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की छटपटाहट जो भी हो, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के इस बयान के पीछे की विचारधारा, इसके प्रभाव और इससे उठने वाले मुद्दों को समझने के लिए हमें भारत में शहरों के नाम बदलने के इतिहास को देखना होगा। आज़ादी के तुरंत बाद भारत में शहरों के नाम बदलने का इतिहास शुरू हो गया था, जब सन 1947 में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। आपको बता दें कि कई भारतीय राज्यों के नाम ब्रिटिश राज में भी बदले गए थे और आज़ाद भारत में कई राज्यों ने अपने स्थानीय भाषा और विभिन्न अन्य वजह से नाम बदलने का प्रस्ताव रखा था। इनमें से कई परिवर्तन विवादित भी हुए थे। हालांकि ये बात अलग है कि कुछ प्रस्तावों को छोड़कर काफ़ी प्रस्ताव ऐसे थे जिन्हें तत्कालीन सरकार ने नहीं माना और उन पर काफ़ी बवाल भी मचा था। अब बात करते हैं भाजपा द्वारा उठाए गए हैदराबाद का नाम बदलने के मुद्दे की, जिसकी विपक्षी दलों ने घोर आलोचना की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी ने सत्ता संभालते ही इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, फैजाबाद का नाम अयोध्या में बदल दिया था। अगर हम विपक्ष की माने तो अब अलीगढ़ को हरिगढ़, मैनपुरी को मयनगर, फिरोजाबाद को चंद्रनगर और मिर्जापुर को विद्याधाम नाम देने की भी तैयारी है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, ताकि इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव में भुनाया जाए। इस मुद्दे को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि शहरों के नाम बदलने से उनकी सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट किया जा रहा है। इसके अलावा ऐसा करने से सामाजिक और धार्मिक तनाव भी बढ़ता है। इसका उदाहरण है 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे, जिसमें जाट, हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच के 62 लोगों की मौत हुई और 5000 से ज्यादा लोगों को पलायन करना पड़ा। इसके अलावा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा था कि उनके राज्य में कोई दंगा नहीं हुआ, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2017 के डेटा में 8,990, 2019 में 5,714 दंगे हुए थे। वर्तमान के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं किए गए। इन सभी दंगों का आधार हिंदू मुस्लिम के बीच मनमुटाव रहा था। इसलिए किसी भी हालात में सांप्रदायिक सद्भावना के खिलाफ की गई कोई भी कार्रवाई या भाषण इन नेताओं के लिए कितना भी लाभदायक हो, लेकिन आम नागरिकों के लिए ये सब किसी भयानक हादसे की आहट जैसा होता है।
एयर न्यूज की इस खास पेशकश में हम तेलंगाना में उठे ताजा विवाद के साथ उत्तर प्रदेश में शहरों के नाम बदलने के विवाद और इससे उत्पन्न होने वाले सांप्रदायिक तनाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान और उनके द्वारा उठाए गए हैदराबाद के नाम बदलने के मुद्दे की विस्तृत जांच की। हमने भारत में शहरों के नाम बदलने के इतिहास को भी देखा और इसके प्रभावों और इससे उठने वाले मुद्दों को समझने की कोशिश की। इसमें हम कितने सफल हुए, इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स पर सुझाव जरूर दें। एयर न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।